जो रूपंचक में जो घटना हुआ है उसमें हमारे भाई और मेरे भतीजा का नाम दिया गया है, मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ उसमें आप लोगों ने कितने लोगों का अरेस्ट किए, ठीक है। सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते, लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में वो राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहां तक मेरी भाई की बात है तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया ना आज तक कहीं कही गए ना किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले शंभू मिश्रा का हत्या, उसमें 6 आदमी का नेम FIR है, अभी तक तो उसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि DGP ब्राह्मण है, यहाँ के SP ब्राह्मण है, नीतीश कुमार जी इनको बचाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार वो कान खोल करके सुन ले कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, चाहे वह पार्टी का कोई हो या पार्टी से अलग हो। अगर बचाने की बात होती तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते, हमारी सरकार बचा लेती। लेकिन हमारे नेता का सिर्फ यही कहना है कि नाम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। मुझे अपने नेता पे विश्वास है और यहाँ के कानून पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि जो होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज मेरे संबंधी मुन्ना तिवारी को क्रिमिनलों के द्वारा छलनी कर दिया गया, अभी तक इसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ। तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ, तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहां से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया हूं। विरासत में मुझे नहीं मिला है, मुझे अपने कर्म से मिला है और मैं केवल एक ही नेता का जानता हूं, नीतीश कुमार, इसलिए कि हमारे नेता न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो चाहे अपना हो या विरोधी हो। मैं बहुत दुखी हूं लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।